Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. All right, welcome to Sports 360 with Ahmed Hamad. और पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर जो है वो खत्म हो चुका है और जो टेस्ट सीरीज थी वो इंग्लैंड ने जीत ली, जबकि T20 सीरीज तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर यासिर अराफात, आजकल इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप के साथ इन्वॉल्व हैं। अभी रिसेंटली इस BBC ने इनको हायर किया और जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज है उसमें कमेंट्री भी करते रहे हैं यासिर। तो यासिर, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। जी बहुत शुक्रिया हमाद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टू बिगिन विद यासिर, टेस्ट सीरीज क्या आपके एनालिसिस है, पाकिस्तान टीम ने कैसा परफॉर्म किया? पहले टेस्ट मैच की हम पहले बात कर चुके थे, तीसरे टेस्ट मैच में क्या किया पाकिस्तान ने, तो ओवरऑल आपके क्या तासरात हैं उसके हवाले से? सबसे पहले तो अगर आप शुरू करें टेस्ट क्रिकेट और पहले टेस्ट से अगर बात करें तो टेस्ट में जो सबसे जो अजीब चीज लगी जो लगी वो ऑल्दो उन्होंने जो पिच को देख के उन्होंने टीम बनाई वो दो स्पिनर पे जो गए वो तो ठीक था। अच्छा, उसमें जो उन्होंने जो दो लेग स्पिनर शादाब को जो उन्होंने बाय फोर्स जो उन्होंने ना खिलाया उसमें थोड़ा सा था, मुझे भी काफी लोगों को इशू था क्योंकि शादाब को अगर आप देखेंगे उसने फोर डे क्रिकेट पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक थी वो खेली नहीं थी, उनको उन्होंने सिर्फ आई डोंट नो ये सिलेक्शन जो वहां पे मुश्ताक अहमद या बाकी लोग भी थे उनकी राय थी या मिसबा की राय थी कि क्योंकि PSL की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी जिसकी बेस पे उनको आई डोंट नो कि उनको किस चीज का मेरे ख्याल से जो एच उन्होंने दिया वो ये था कि थोड़ी उनकी बैटिंग अच्छी है तो जिसकी वजह से उन्होंने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शादाब को डाला। मगर काफी लोगों ने बाद में भी और उस टाइम भी जब सिलेक्शन हुई बल्कि मैंने भी यही बात की थी कि अगर आपने खिलाने थे तो वहां पे काशिफ भट्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो डोमेस्टिक में साल से परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनकी अगर आप देखें वैरायटी भी आ जाती है क्योंकि लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं तो वो अच्छी ऑप्शन हो सकती थी क्योंकि आप शादाब ने देखिए पीए वो बांग्लादेश लीग चले गए PSL खेली तो उन्होंने वो लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं की हुई थी उन्होंने तो उनको जब खिलाया तो वो सब ने देखा कि वो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने स्पेशली बॉलिंग में, उन्होंने मेरे ख्याल से हार्डली कुछ 12 से 13 ओवर पहले टेस्ट में जो वो खेले और उन्होंने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की थी मगर अगर आप उनकी बॉलिंग क्योंकि उनको बेसिकली एज अ बॉलर खिलाया गया था पिच को देख के वही देखिए अगर वहीं पे अगर ये डिफरेंट स्पिनर या काशिफ भट्टी जो एक्सपीरियंस बॉलर होते तो बड़ा हेल्प मिलती यासिर शाह को इसमें कि जिस तरह यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की दोनों इनिंग्स में 4-4 खिलाड़ी आउट किए और बड़ा अच्छा उन्होंने क्योंकि उन पर काफी प्रेशर था यासिर पे जिस तरह वो पिछले कुछ 1-2 साल से वो खेल रहे थे कि वो आउट नहीं कर रहे, 100 से ज्यादा रन देते हैं तो उसके बाद विकेट लेते हैं कोई इस तरह की बात हो रही थी मगर इस मैच में यासिर शाह को सपोर्ट नहीं मिली दूसरे एंड से। अगर वो ये शादाब की जगह अगर प्रॉपर लेफ्ट कोई स्पिनर होता तो ये मैच का जो एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पहला मैच बहुत अच्छा खेला, अगर आप देखेंगे 11-12 या जितने भी सेशन हुए हैं पाकिस्तान ने डोमिनेट किया पूरे मैच में डोमिनेट किया, शान से शुरू करें अगर शान की बैटिंग आप देखें तो बड़ी पॉजिटिव साइंस हमें नजर आए जब शान बैटिंग कर रहे थे क्योंकि 2 साल पहले के टूर में जब आए थे यहाँ पे तो बड़ा स्ट्रगल किया था उन्होंने, उनकी बैटिंग को देख के बड़ी खुशी हुई और उसके बाद फिर बाबर ने अच्छी बैटिंग की पहली इनिंग में तो बड़ा अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर लगा लिया था उन्होंने, फिर उसके बाद जब बॉलिंग भी की बॉलिंग में भी उन्होंने आउट कर लिया मगर जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई हमारे पाकिस्तान की टीम तो वहां थोड़ा उन्होंने एक तो वहां पर थोड़ा गंदा खेला और जब चौथी इनिंग में जब इंग्लैंड की बैटिंग कर रही थी तो उस टाइम जब उनके 5 खिलाड़ी आउट कर चुके थे हम लोग तो उनको वहां से डेट्स या उनकी पार्टनरशिप लग गई और वहां पे फिर हमें थोड़ा एक्सपोज हो गया हम लोग, जो हमने जो डिसीजन किया था शादाब का डिसीजन और यंगस्टर्स के साथ जाने का जो डिसीजन किया था वो बड़े ओपन तरीके से हमें नजर आया कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हमें वहां पे मिली कि जब आप देखें टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे हो तो आप एज अ फास्ट बॉलर यही करते हैं कि जब वो आपको हट के खेलते हैं तो आप उनको फॉलो करते हैं बॉडी लाइन बॉलिंग करते हैं कि राउंड द विकेट आ जाते हैं तो वो चीजों उन चीजों का फुकदान हमें नजर आया तो जो हमें वो मैच कॉस्ट कर गया और उसी मैच की वजह से हमारी पूरी टेस्ट क्रिकेट जो अगले 2 मैच थे वो सफर किए और हम लोग मतलब पीछे ही रहे उनसे और अगले मैचों में बारिश भी होती रही और इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट उसके बाद खेली
थी, तो पाकिस्तान ऑल इन ऑल जो है पाकिस्तान के कुछ डिसीजन ऐसे थे टीम सिलेक्शन के हवाले से, और उसके अलावा जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी हमारे स्पेशली बैट्समैनों की, हम चाहते थे कि जो हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन थे वो परफॉर्म करें, मगर वैसा परफॉर्म नहीं किया। अजहर अली ने आखिर में आखिरी टेस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी ही खुशाइन बात है कि उन्होंने परफॉर्म किया, उसके अलावा हमारे मेन जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो यहाँ से डोंट यू थिंक के जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसकी वजह से हमारी टीम ने स्ट्रगल किया, प्लेयर्स का वो टेम्परमेंट नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में तमाम टीम्स जो हैं वो तो तीन डिफरेंट टीम्स बना लेती हैं, टेस्ट मैच की अलग है, वनडे की अलग है, T20। हमारे यहाँ ये है कि PSL में जिसने परफॉर्म किया विच इज T20 उसको हम वनडे के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं और टेस्ट मैच के लिए भी। और पहले टेस्ट मैच की आपने बात की, पहले टेस्ट मैच में हमने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया, 300 प्लस किया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही कि सेकेंड इनिंग में जब जरूरत थी कि एटलीस्ट 250 स्कोर किया जाता तो वो अप्लाई नहीं किया बैट्समैन ने या इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की, क्या रीजन हो सकता है आपकी नजर में? पहले बात कर लें जिस तरह आपने बात की कि वो जो टीम्स की जो सिलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट, वाइड बॉल के डिफरेंट आपके प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिकेट में स्पेशलाइजेशन आ गई है और स्पेशली आप देखेंगे जो टॉप की टीम्स हैं जो मतलब दुनिया को रूल कर रही है क्रिकेट बेस में इस वक्त, उसमें सबसे अच्छी चीज ये उनकी है वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को चॉकआउट कर लिया, उन्होंने सेपरेट कर दिया। आप देखें सबसे बड़ी एग्जांपल इसी सीरीज में आप देख लें कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड वो वाइट बॉल के करीब तक नहीं आते, वो बॉल को हाथ नहीं लगाते। आप देखें 2015 का जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, जो डेबैकल इंग्लैंड का हुआ वहां पे, वहां से उन्होंने वही अक्ल के नाखून लिए, उसके बाद उन्होंने होश संभाला, उन्होंने वहीं से प्लानिंग शुरू कर दी कि भाई हमारी जो T20 की या वाइट की टीम है वो टोटली डिफरेंट होगी और टेस्ट की डिफरेंट होगी। तो जिसका आपने रिजल्ट देखे लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जीता, वही उसका रीजन था कि वो अपनी गलतियों से अपने जो जो फ्लॉज होते हैं उनसे सीखते हैं, तो वो उन्होंने करके दिखाया इंग्लैंड ने। और बाकी ऑस्ट्रेलिया इंडिया बाकी टीमों को भी अगर आप देख लें वो इसी तरह ही है बिल्कुल। इंडिया में अगर अश्विन देखें वो वाइट बॉल में बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे, उनकी जगह यंगस्टर वो चाहल को खिलाते हैं या कोई और प्लेयर खेलता है, अश्विन को टेस्ट क्रिकेट के लिए वो कंसीडर करते हैं। तो हमें भी ये चीज करनी पड़ेगी। और अब तो ये हो गया कि आप देखें टीम्स के अलावा कोचिंग स्टाफ भी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि देखें टोटली डिफरेंट स्किल्स हैं, क्रिकेट इतनी एवॉल्व हो चुकी है कि आपको हर सीरीज हर मैच में आपको नए प्लान के साथ आने, तो आपके पास अगर वेल इक्विप्ड प्लेयर्स के अलावा कोचिज अगर नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। वही हमने देखा और वही पाकिस्तान टीम के साथ अभी हो रहा है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्राइक रेट की बात जिस तरह कर रहे हैं तो हम लोग देखें वो स्ट्राइक रेट दूसरी टीमों के प्लेयर जो है वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से जाते हैं, हमारे प्लेयर अभी भी 120-130 के स्ट्राइक रेट से, जिसकी वजह से वो हमें डिफरेंस नजर आता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है और दुनिया कहाँ पे खेल रही है इस टाइम। बिल्कुल टॉप टीयर की टीम्स अगर हम देखें इवन टेस्ट मैचेस में 3.5 रन रेट वो मेंटेन करती हैं, एक दिन में 300-350 इवन 350 भी कर लेती हैं। हमारा अभी रन रेट वो नहीं है, हम जब शेल में जाते हैं तो बिल्कुल रन रेट हमारा रुक चुका होता है, स्कोर नहीं चल रहा होता जो प्रेशर माउंट करता है आपके बैट्समैन पे। तो स्कोर बोर्ड का चलते रहना और स्ट्राइक का रोटेट करना ये बड़ा जरूरी है, ये इन प्लेयर्स को इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अब ये आ जाना, ये सिखाने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि सिंगल स्लिप्स खड़ी हुई है और आपको आज ओपन फील्ड है तो आप पूरा शॉट ना खेलें, आप टैप करें और सिंगल ले लें, उससे क्या होता है कि बॉलर के लिए भी मुश्किल हो जाती है, एक बैट्समैन को वो प्लान कर रहा होता है, दूसरा बैट्समैन राइट लेफ्ट जो भी आ जाए बैट तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये कोचिंग स्टाफ को डोमेस्टिक क्रिकेट की, अब मैं वही बात करता हूँ डोमेस्टिक में हमारी क्या क्रिकेट हो रही है कि पिचेज ऐसी बन रही है कि 250 से ऊपर कम स्कोर बनना शुरू हो गया, बॉलर्स के हिसाब से ज्यादा पिचेस बन रही, क्या ये अच्छा है हमारी क्रिकेट के लिए, या आप समझते हैं कि इवनली बैलेंस पिच होनी चाहिए, बॉलर्स को भी फेवर करे और बैट्समैन को भी करे? इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो जिसका मैंने पहले आपको बात की कि हमें अपने जो है ना प्लेयर्स अलहदा कर लेने चाहिए और हमें मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो PSL में अगर कोई परफॉर्म करता है और शॉर्टर फॉर्मेट में परफॉर्म करता है तो उसको अगर हम टेस्ट क्रिकेट में खिलाएंगे तो इतना इससे बड़ा ब्लेंडर कोई हो नहीं सकता,
कोई अनपढ़ बंदा या जो नॉन क्रिकेटर अगर ऐसा डिसीजन करे तो आप मान सकते हैं कि ये गलती हो गई है, मगर अगर हमारे लेजेंड या क्रिकेटर्स जो स्टार्स रहे हैं पहले जो खेले हुए इस क्रिकेट को, वो अगर ऐसे डिसीजन करते हैं तो बड़ी ही हैरानगी होती है, क्योंकि उस प्लेयर के साथ तो ज्यादती हो ही रही है, मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हो रही है कि आप देखें इतना प्लान करके हमारे मुल्क से पाकिस्तान की टीम जो आई है इतनी मुश्किल कंडीशन में यहाँ पे आई है, तो अगर आप देखें ऐसी सिलेक्शन पॉलिसी होगी और ऐसे रिजल्ट्स आएंगे तो प्लेयर्स का तो नुकसान हो ही रहा है, जो अवाम जो फॉलोअर्स हैं वो उनका दिल भी टूट रहा है कि यार हम लोग क्रिकेट को इतना फॉलो कर रहे हैं और ये ऐसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो भी क्रिकेटर्स के से ये ऐसी चीजें आ रही है। तो ये थोड़ी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम हमारे क्रिकेटरों के साथ क्रिकेटरों से गलतियां हो रही हैं। अच्छा फर्स्ट क्लास की आपने बात की, फर्स्ट क्लास जो पिछले साल हुई है वैसे तो पहले उसको तो चले आप छोड़ दें, हम नहीं जो इन्होंने इन्होंने बात की है कि जी बड़ी क्रीम खेल रही है और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, बड़ी पैसा इस्तेमाल हो रहा है इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मगर आप रिजल्ट्स देखें कि वही जिस तरह आपने बात की कि वो रन रेट देखें, हर बंदा मैंने फॉलो इस तरह किया कि मैंने वो स्कोर कार्ड वगैरह देखे, क्योंकि फिजिकली मैंने जाके देखा तो नहीं है, मगर देखने में यही आया है कि प्लेयर्स अपनी सेल्फिश अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं, वो इसलिए कि वो परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस के बाद उनकी बात टीम में उनकी जगह बन जाएगी या वो किसी भी टूर्स में उनका नाम आ जाएगा, तो रीजन ये है, मगर कोशिश में सुनने में ये आ रहा है कि कोचिज को ये बोला गया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है जो रिक्वायरमेंट है उसका यही है कि आपने जिस आपने बात की 3.5 या 3.6 या 7 की आपने रन औसत से रन रेट से आपने अगर बैट्समैन कोई खेल रहा है तो आपने खेलना है, सेल्फिश नहीं खेलना, आपने टीम के लिए खेलना है, टीम की विक्ट्री के लिए खेलना है। तो वो जो पिछले साल थोड़ा सा ये डिस्कशन काफी ये चीज हाईलाइट हुई है कि प्लेयर सेल्फिश खेले अपने लिए, कि अगर फर्ज करो दो दिन बैटिंग किए तो दो दिन में ही 400 स्कोर किया टीम ने, वो जीतने के लिए नहीं गए। तो देखिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने इतनी प्लानिंग करने के बाद अगर आप प्लेयर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इस डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा है। तो अब नए कोचेज भी आ रहे हैं उसमें, आई एम श्योर कि वो उस पर काम करेंगे, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर या पीसीबी की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपने जो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर तैयार करना है तो उनकी जो साइकी है जो उनका माइंडसेट है टेक्निक्स हैं वो उस तरह की रखनी है कि जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो वो जो गैप की हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास के में और इंटरनेशनल में वो खत्म हो जाएगा। तो वो हमें इंशाल्लाह देखें एक दो साल में वो रिजल्ट हमें नजर आएंगे अगर ये अच्छी तरीके से चीजें चलती रही, अदरवाइज अगर ये वही सेल्फिश प्लेयर खेलेंगे तो ये हमेशा से ये हमारा प्रॉब्लम रहेगा और हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेरिट है, हमारे मुल्क में आप जितने मर्जी आप प्लान्स ले आए जितने मर्जी फॉरेन कोचिंग ले आए पाकिस्तान के लेजेंड्स प्लेयर बोर्ड में ले आए, जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी तो ये मसले वहीं पे रहेंगे। अच्छे से अच्छा प्लेयर आप मेरिट में अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपने सिस्टम चेंज करने से क्या हो जाएगा, सिस्टम तो बेहतरीन था आपका, उसी से आपने सारे इवेंट्स आपने जीते हुए हैं पहले और अच्छे से अच्छे प्लेयर आपने प्रोड्यूस। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.